सो हेलो एवरी वन दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टर माइंड सो गई इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेकेजम को लेकर जो कि तुम्हारा आईसीएस ट्वेंटी ट्वेंटी वन बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया आई एस सी का बोर्ड रिजल्ट आया तो काफी सारे स्टूडेंट्स मेनी स्टूडेंट्स आर हैप्पी बट एट द सेम टाइम मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी विद मार्क्स बिकॉज मे बी जो कि तुम्हारा मार्क्स है जो कि तुम्हें मिला बिफोर तुम्हारा क्लास नाइन में जो मार्क्स था और उसके साथ साथ क्लास टेन का जो प्री बोर्ड्स में मार्क्स था हाफ ईयरली में मार्क्स था कंपेरेटिवली उसको कंपेरिजन में अगर हम देखें तो इस बार का मार्क्स तुम्हारा जो कि बोर्ड रिजल्ट्स में आया मे भी परसेंटेज कम आया या फिर कुछ सब्जेक्ट्स का मार्क्स मे भी डिक्रीज हो गया एंड इस बार तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा जो कि इस बार का बोर्ड रिजल्ट है वो किस बेसिस पे प्रिपेयर हुआ है क्लास टेन स्टूडेंट्स के लिए क्लास नाइन का और क्लास टेन का जो प्री बोर्ड्स हुआ उसके बेसिस पे लाइक मार्किंग क्राइटेरिया था मार्किंग क्राइटेरिया जिसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इन डिटेल एंड uh, जितने भी क्लास ट्वेल्स स्टूडेंट्स हैं आई के स्टूडेंट्स उनका रिजल्ट्स क्लास के बेसिस पे एंड क्लास ट्वेल्व के प्री बोर्ड्स के बेसिस पे प्रपेयर हुआ ऑल ऑफ यू नो दिस नहीं दिया सारी स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गया था नो no, काफी सारे स्टूडेंट्स मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट सेफाइड विदर मार्क्स और द रिजल्ट विच हैजिन प्रिपेयर बाई सी आई एस सी अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम तो इस केस में देखो तुम्हें ऑलरेडी पता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेके अकॉर्डिंग टू द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैके बोर्ड रिजल्ट अगर तुम चाहती हो कि कोई भी चेंजेस हो तो बिफोर फर्स्ट ऑफ अगस्त स्कूल के लिए ये टाइम दिया गया है स्कूल के लिए डेडलाइन है कि फर्स्ट ऑफ अगस्त से पहले स्कूल को काउंसिल uh, को यानी कि फर्स्ट ऑफ अगस्त तक के अंदर काउंसिल को क्या करना है उन्हें स्कूल को लेटर लिखना है और एप्लीकेशन देना है लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने स्कूल के ये डायरेक्टली तुम काउंसिल को कोई लेटर नहीं दे सकते तुम्हें सबसे पहले स्कूल को एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा और उसके बाद अगर तुम्हारा प्रिंसिपल स्कूल का प्रिंसिपल स्कूल मैनेजमेंट इफ दे अग्री ओनली तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज हो सकता है बट मैक्सिमम केसेस में क्या हो रहा है काफी सारे स्कूल में अभी जो स्कूल मैनेजमेंट है स्टूडेंट्स अगर अपील कर रहे हैं कि दे वॉन्ट टू इंक्रीज देयर मार्क्स तो ये केस में बहुत सारे स्कूल्स में नहीं हो रहा है प्रिंसिपल दे आर नॉट अलाउविंग द स्टूडेंट्स टू डू दिस सो डिपेंड करता है तुम्हारे स्कूल में अभी क्या चल रहा है अगर तुम्हारा मार्क्स के लिए डेफिनेटली तुम गए होगे अगर तुम नहीं गए हो और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज हो अगर तुम्हारा मार्क्स को ज्यादा ही डिक्रीज कर दिया गया या फिर परसेंटेज डिक्रीज हो गया है सो इन दैट केस तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है तो फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट से पहले तक तुम्हें जाना पड़ेगा स्कूल में इट्स बेटर कि तुम कल तक चले जाओ एंड इसके साथ साथ दूसरा केस क्या है दूसरा केस ये है कि तुम्हारा मार्क्स को डिक्रीज नहीं किया गया लेकिन तुम्हारा मार्क्स बहुत कम आया और तुम चाहते हो कि इंप्रूवमेंट एग्जाम देकर तुम अपना मार्क्स को इम्प्रूव कर सको सो so, इस केस में क्या करना है उसी को लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो यहाँ पर देखो अभी हम मैंने काउंसिल का जो कि ऑफिशियल नोटिस था जो कि कुछ दिन पहले आया था जबकि मार्किंग स्कीम के रिगार्डिंग जो नोटिस आया था उसको मैंने ओपन कर लिया यहाँ पर तुम्हारा इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग डिटेल्स है सो यू कैन रीड दिस इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या मैंशनड है कैंडिडेट्स हु आर नॉट सेटिस विदोर्सेड असेसमेंट स्कीम यानी कि जो असेसमेंट स्कीम था जिसके बेसिस पे तुम्हें मार्क्स मिलाए विल हैव द ऑप्शन टू री अपीयर और अपीयर नॉट री अपियर बिकॉज तुमने बोर्ड एग्जाम्स एक बार भी नहीं दिया है इस बार टू अपीयर इन द रिटर्न एग्जामिनेशन इन वन और मोर सब्जेक्ट्स और पेपर्स विच शैल बी कंडक्टेड बाई दी सी आई एस सी ई सब्सिक्वेंटली यानी कि तुम्हारा जो कि बोर्ड एग्जाम्स है फिर से कंडक्ट हो सकता है कुछ रिटर्न एग्जामिनेशन उस केस में क्या होगा ये कब होगा कैसे होगा यहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लेन है लेट मी टेल यू दैट जो कि काउंसिल है अगर सिचुएशन फेवरेबल रहा सो इन दैट केस अगर फर्स्ट फर्स्ट सेप्टेम्बर से पहले तक तुम्हारा ये रिटर्न एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट सेप्टेम्बर से पहले नाउ ये डिपेंड करता है ओनली इन केस इफ सिचुएशन विल बी फेवरेबल देन काउंसिल एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा रिटर्न एग्जामिनेशन जिसको देकर तुम अपने सब्जेक्ट्स के लिए एक सब्जेक्ट या फिर दो तीन सब्जेक्ट्स के लिए तुम एग्जाम्स देकर अपना मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो सो so, ये जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम है ये काउंसिल किस केस में होल्ड करेगा इन केस इफ द सिचुएशन इज फेवरेबल फॉर द स्टूडेंट्स टू गिव रिटर्न एग्जामिनेशन अगर तुम स्कूल पे स्कूल्स खुल जाएगा या फिर सिचुएशन फेवरेबल रहेगा ताकि तुम स्कूल्स में जाकर रिटर्न एग्जामिनेशन दे सको सो इन दैट केस इंप्रूवमेंट एग्जाम्स कंडक्ट होगा इसके लिए क्या क्राइटेरिया है इसके लिए तुम्हारा जो रिटर्न जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है वो अगर कंडक्ट होगा तो वो फर्स्ट सेप्टेम्बर से पहले होगा फर्स्ट सेप्टेम्बर से पहले ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा तो so, ये आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए भी है आईएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी है डेफिनेटली तुम दे सकते हो अगर तुम्हें इम्प्रोवमेंट एग्ज़ाम देना है तो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन गिव दिस एग्जामिनेशन या फिर तुम क्लास ट्वेल्व का कोई स्टूडेंट है तो तुम्हें कॉलेज एडमिशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें जो मार्क्स है तुम्हें अच्छा परसेंटेज चाहिए सो so, उस केस में आई एस सी के स्टूडेंट्स ये एग्जामिनेशन को दे सकते हैं और अगर तुम्हें क्लास टेन का मार्क्स कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा कम आया या फिर तुम अपने मार्क्स से बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं हो सो इन दैट केस यू कैन गिव दिस एग्जामिनेशन फर्स्ट सेप्टेम्बर से पहले तुम्हें काउंसिल एक ऑफिशियल नोटिस आएगा काउंसिल के ऑफिशियल साइट पे एक ऑफिशियल सर्कुलर आएगा जिसमें कि वो लोग डेट्स को लेकर बताएंगे इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स का एंड फिर तुम अप्लाई कर कर इंप्रूवमेंट एग्जाम्स दे सकते हो सो इफ इन केस अगर ये कंडक्ट होगा इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल नोटिस आएगा सो आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू सो टेल देन स्टेट यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इसके साथ साथ तुम्हारा अगर कोई भी डाउट है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को लेकर या फिर इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन को लेकर तो तुम मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड इसके साथ साथ तुम ये जरूर मुझे बताना कि क्या तुम्हारे स्कूल में प्रिंसिपल अलाउ कर रहा है तुम्हारे मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए डू टेल दिस टी इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट सॉल्व फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग